नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिया चौधरी और आज मैं आपको शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 8वें अध्याय का सार देने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के नीचे हिंदी में लिखे हुए कैप्शंस देखना है तो आप वीडियो को क्लिक कर ऊपर दिए हुए सीसी ऑप्शन को दबा दीजिए, फिर आपको इस पूरे वीडियो के कैप्शंस हिंदी में नीचे आते रहेंगे। भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और केतकी पुष्प को श्राप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना। नंदीकेश्वर बोले, तदुपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्व को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रूकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? शिव जी बोले, हे वत्स्य, ये जो ब्रह्मा है वे इस सृष्टि के आदि देवता है। तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केश पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्धत पांचवें सिर को काटकर हाथों में तलवार भाजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुए। हे संत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण वस्त्र माला उत्तरीय एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुलमोन के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों की अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। अच्युत बोले, हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचान रूप प्रदान किया था, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य है। इनका अपराध क्षमा करे और इन पर प्रसन्न हो। भगवान अच्युत द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्राह्मण, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में छठे सत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपकी कृपा से आप सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्व बंधु दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। ईश्वर बोले, हे वत्स्य, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा, अतः तुम दंडनीयों को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और ग्रह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। स्वर्णगुण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, अरे षट केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ, मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिवजी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है, आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया है। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करे और मेरा जन्म सफल कर दे। जाने अनजाने हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं, फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है? उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु और देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुभोषित हुए। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां शिवानुग्रह वर्णनम नाम अष्टम अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में शिव की कृपा का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।